तो भैया आज खाने का दिल है पनीर, और मैं आज लेके आया हूँ पनीर। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये रहा मेरा मलाई पनीर, डेरी फ्रेश कंपनी का है। और ये रहा मटर मेरा। ये दोनों को मिक्स करके बनाएंगे आज पनीर, और खा के देखते हैं कैसा होता है। यार काफ़ी दिन हो गया था खाए पनीर, बहुत दिन से इरादा दिल किया था, खैर आज मिल गया खाने को। अभी ये सब कट पिट चुका है, जो भी है अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च टमाटर, टमाटर काटना है अभी, और साथ में है आलू। तो पहले मैं पनीर और आलू को फ्राई कर लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। और यार अभी मेरा फ्राई पैन हो चुका है अच्छे से हीट, और अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल। और ये ऑयल है, ये आपका सनफ्लावर का है। यहाँ पे ज़्यादातर यार यूज यही होता है, सनफ्लावर और एक जैतून की तेल आती है यहाँ पे, ये दो तेल ज़्यादा यूज होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो इसी को यूज किया जाता है, जो मैं अभी हाथ में लिया हूँ इसको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अच्छा भी है खाने में, इसमें टेस्ट बस भी थोड़ा अच्छा सा है। लेंगे, बस फ्राई करना है हल्का सा, ज़्यादा तेल लेके फ़ायदा नहीं है, और तेल सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो जितना कम हो सके तेल यूज करें आप लोग। पनीर को थोड़ा सा वाश कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसको जो है पानी के अंदर वाश करके उसके बाद फ्राई करेंगे। और यार अभी ये तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, डाल देता हूँ फ्राई करने के लिए। और यार अभी इसमें डाल देंगे आलू पनीर के साथ में, थोड़ा ये भी फ्राई हो जाएगा तो खाने में और टेस्टी हो जाएगा। इसको कर लेते हैं हल्का हल्का सा फ्राई, बहुत टाइट भी नहीं करना है, हल्का सा बस टेस्ट के लिए बस फ्राई किया जा रहा है। इसको टूटना नहीं चाहिए, ये टूट जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा। आलू तो नहीं टूटेगा आपका, लेकिन ये पनीर टूट सकता है। इसको हल्के हाथ से जो है इसको हम कर लेंगे फ्राई। और यार अपनी पनीर थोड़ी टाइट हो चुकी है, अब इसको आसानी से हम लोग रोस्टेड कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले मुलायम थी तो रोस्ट करने में दिक्कत हो सकती थी कि टूट सकता था पूरा, लेकिन अभी आराम से आप करिए। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, देख सकते हैं, बस इसमें डाल दिए नमक, और इसको हल्का हल्का बस रोस्ट करते रहिए जब तक ये थोड़ा लाल ना हो जाए। नमक डालने की वजह एक और है कि इसमें पकड़ेगा नहीं फ्राई पैन में आलू या आपका पनीर, इसके लिए मैंने नमक डाल दिया। यार अभी आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फ्राई हो चुका है, ज़्यादा करेंगे यार बहुत टाइट हो जाएगा, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ एक बर्तन में आराम से। और ये अपना फ्राई हो गया रेडी, और इसके बाद अब हम बनाएंगे सालन। यार अभी हम लोग सालन बनाने जा रहे हैं, मेरे साथ सुहेब भी है जी। अदरक है, इसको मैंने ग्लेंडर नहीं किया, क्योंकि वजह ये थी कि मेरा ग्लेंडर कल ख़राब हो गया, इसलिए मैं इसको ग्लेंडर नहीं कर सका। ग्लेंडर हो जाए तो और अच्छा है, अगर आप लोगों के पास ग्लेंडर है तो ग्लेंडर करके बनाए, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा बनता है मुझे पता नहीं है क्या बनने वाला है, क्योंकि यार हम लोग तो कुक हैं नहीं, तो है बस खुद बना करके खुद खाना होता है। तो आज मैंने सोचा यार क्यों ना एक वीडियो बना करके दिखा दूं आप लोगों को तो कैसे बनती है। अरे भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो हम लोग अपना खुद का खाना बनाए हुआ खाते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर के खाने से ये तो भी यार लाख गुना अच्छा है, लाख लाख गुना अच्छा है, क्योंकि यार अपने हाथ का बना हुआ कुछ भी होता है ना, सूखी रोटी भी होती है यार, बहुत मजा आता है खाने में। अभी देख सकते हैं प्याज सब कुछ अच्छे से लाल हो चुका है, अभी हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर, दो टमाटर लिया हमने। इसके बाद थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक, ये हो गया नमक। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ये अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसके अंदर जो भी अपना है मटर पनीर जो भी है सब इसके अंदर डाल करके पैक कर देंगे। यार तो चलिए देखते हैं अभी इसकी हालत क्या हुई। और यार ये तो हो चुका है अच्छे से, इसको देखते हैं इसकी हालत। और ये यार मेरा मसाला अच्छे से बन गया है, इसमें डाल देते हैं मटर, और ये रहा आपका
पनीर, ये सब हमने मिक्स कर दिया अच्छे से डाल करके। साथ साथ में बनाना होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं डालेंगे यार इसमें तो जो है हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल करके छोड़ देंगे कि कहीं जले पकड़े नहीं इसके लिए, बस क्योंकि हमको सूखा बनाना है भाई। दो लोगों को खाना है तो सूखा ही खाएंगे, पानी डाल के फ़ायदा नहीं है। पानी डालने के बाद टेस्ट ख़त्म भी हो जाता है, कितना भी अच्छा बना लो पानी होता है टेस्ट नहीं आता है। फिर इसको अब हम कर देंगे पैक। ये आइसक्रीम खाएगा इस टाइम? नहीं यार, रात में नहीं, रात में खाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी चलते हैं, बैठते हैं और 10 मिनट बाद आकर के फिर देखते हैं क्या इसका हाल है, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। और यार अपना हो गया ये मटर पनीर बन के रेडी, बहुत ही लाजवाब।